मध्य प्रदेश के धार जिले में हनुमान मंदिर के एक पुजारी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मंदिर के बाहर घूम रहे युवकों का पुजारी से विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों ने पीट पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंदिर पुजारी की मौत हो गई थी। दरअसल घटना धार जिले के ज्ञानपुरा गांव के कड़बान पहाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर की है, जहां मंदिर के बाहर रात्रि के समय 3 से 4 युवक घूम रहे थे। जब मंदिर पुजारी अरुण दास बाबा ने युवकों से पूछताछ की तो वो नाराज हो गए और इस दौरान बाबा से गाली गलौज करने के साथ मारपीट की गई, जिससे सर में गंभीर चोट लगने के कारण बाबा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची तिरला पुलिस ने मामला दर्ज कर गंभीरता से जाँच की और 24 घंटे के अंदर हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल जो कड़बन पहाड़ी में हनुमान मंदिर में जो बाबा जी रहते थे अरुणदास, उनके साथ किसी बदमाश ने एक ईंट मार के उनको घायल कर दिया था और इलाज के दौरान भोज अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें 302 का केस रजिस्टर्ड करके और विवेचना की गई, जिसमें अब तक 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जो कि चारों ने मिलकर एक घटना घटित की थी। उनके नाम है शिवा, करण, अर्जुन और एक अजय। ये कुल 4 लड़के थे जो माफीपुरा के रहने वाले, और चारों को अरेस्ट कर लिया गया और कल कोर्ट में पेश करेंगे। फिलहाल पुलिस ने मंदिर पुजारी के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर राहत की सांस ली है। वहीं आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। धार से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।